गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल वेलकम्स यू। माई सेल्फ संदीप नेहरा, योर पॉलिटिकल साइंस टीचर। वी आर स्टडिंग अबाउट चैप्टर 14, पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। आपको ये चैप्टर का जो नेम है वो नया मिलेगा, क्योंकि आपकी जो ओल्ड बुक है उसके अंदर लेसन 11 और लेसन 14 को मर्ज करके क्या है, एक नया चैप्टर बना गया जो कांग्रेस से रिलेटेड है। इसमें 11 चैप्टर के अंदर क्या है, कांग्रेस सिस्टम के बारे में बता रखा है, और 14 चैप्टर के अंदर क्या है, इंडिया के पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम के बारे में बताया हुआ है। तो इन दोनों को क्या है, मर्ज करके एक चैप्टर बना दिया गया, इसका नेम है पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। ये चैप्टर आपको क्या है, एग्जाम के अंदर 8 मार्क्स का आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो टुडेज अवर टॉपिक इज इंट्रोडक्शन अबाउट दिस। तो इसके अंदर क्या है, मेनली हम क्या है, 3 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। एक कांग्रेस सिस्टम के बारे में, सेकंड बाई पार्टी सिस्टम के बारे में, थर्ड मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में। जो फर्स्ट टॉपिक आपका कांग्रेस सिस्टम है वो आपको चैप्टर 11th के अंदर मिलेगा, यानी जो चैप्टर 11th है वो क्या है, कांग्रेस सिस्टम से बिलोंग करता है। जो बाई पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम है वो चैप्टर नंबर 14 जो आपकी बुक के अंदर है उससे बिलोंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस दे आर इन पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया चैप्टर नंबर 14। तो सबसे पहले हम कांग्रेस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि कांग्रेस सिस्टम था क्या, मतलब क्यों इसका डोमेंस इंडिया के अंदर था, उसके रीजन क्या थे, कैसे कैसे ये खत्म हुआ, इसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले कांग्रेस सिस्टम, कांग्रेस सिस्टम को वन पार्टी सिस्टम भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि उस समय तक 1947 के अंदर जब इंडिया क्या है इंडिपेंडेंट हुआ और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जब हमारे जनरल इलेक्शन हुए, तो उस समय तक कुछ रीजनल पार्टी को छोड़ करके हम ये कह सकते हैं कि पूरी इंडिया के अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था कांग्रेस पार्टी। और ये लंबे समय तक हम ये कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पूरे टाइम पीरियड में, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पीरियड में, फिर कुछ समय इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड तक क्या है, इसी पार्टी का डोमेन रहा था। तो ये पार्टी आज़ादी से पहले यानी इंडिपेंडेंस से पहले 1885 के अंदर एक अंग्रेज ऑफिसर्स, इंग्लिश ऑफिसर्स के द्वारा, A.O. Hume के द्वारा बनाई गई। स्टार्टिंग में इसका जो बनाने का पर्पस था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो पब्लिक है या जो लीडर्स थे इंडिया के, उनके बीच में एक मतलब मीटिंग बिठाने के लिए या कम्युनिकेशन पैदा करने के लिए बनाई गई। लेकिन धीरे धीरे ये पार्टी क्या है, इंडियन मूवमेंट्स के अंदर आ चुकी थी और फ्रीडम फाइटर जो काफी थे, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे के सारे क्या इस पार्टी से जुड़ चुके थे। और ये पार्टी अब सिर्फ क्या है, उस पार्टी की जगह एक नेशनल पार्टी बन चुकी थी। तो ये कांग्रेस सिस्टम था। अब बात आती है इंडिपेंडेंस के बाद की। जब 1947 के अंदर क्या है, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाया गया, 52 के अंदर जो जनरल इलेक्शन हुए पहले, तो उसके बाद क्या है, इसी पार्टी का क्या है डोमेंस रहा। क्यों रहा, क्योंकि कुछ स्टेट्स के अंदर क्या है, एक दो पार्टीज हैं, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी का था, हिंद स्वराज पार्टी, उनको छोड़ करके क्या है, किसी पार्टी का डोमेंस कहीं पर भी नहीं था, सिर्फ पूरे इंडिया के अंदर कांग्रेस सिस्टम था। तो पामर ने इसको क्या है, अम्ब्रेला कांग्रेस का है, अम्ब्रेला कांग्रेस यानी कि छाता कांग्रेस या छाता संगठन के नाम से भी इसको जानते हैं। क्यों कहा, क्योंकि एक ऐसी पार्टी थी जिसके अंदर क्या है, पुअर भी थे, रिच भी थे, जिसके अंदर हर रिलीजियस से, मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, क्रिश्चियन भी थे, यानी सभी के सभी इसके अंदर क्या है आ सकते थे, क्योंकि यह पूरे इंडिया, ये साउथ में भी, नॉर्थ में भी, वेस्ट में भी, यानी कि कंप्लीट इंडिया के कंप्लीट स्टेट्स के अंदर क्या है ये पार्टी थी। और इसके अलावा कोई भी दूसरी पार्टी ऐसी नहीं थी जो इंडिया के सभी स्टेट्स में था। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के अंदर कि कांग्रेस को क्या है, अम्ब्रेला कांग्रेस या छाता संगठन क्यों कहा जाता है। तो वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी तरह के, सभी विचारधारा के, किसी की विचारधारा चाहे लिबरलिज्म हो, चाहे सोशलिज्म हो या आइडियलिज्म हो, किसी भी तरह की क्या है, किसी तरह के व्यूज हो, किसी तरह की उसकी आइडियोलॉजी हो, सभी को इसके अंदर क्या है जगह दी जाती थी, और सभी मिलकर के इसके अंदर डिबेट्स वगैरह करते थे और इंडियन गवर्नमेंट को चलाने का काम इन्होंने किया। तो इसलिए पामर ने क्या है इनको अम्ब्रेला कांग्रेस का नाम दिया। जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो कांग्रेस के खिलाफ थे, तो वो स्टार्टिंग से जब तक इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी तब से ही वो क्या है कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट थे। उन्होंने क्या है इनको एक इनका मतलब होता है धर्मशाला, आप बोल दो सराय बोल सकते हो जिसको, होता है यानी जहां पर कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी इन है जहां पर मतलब कि द्रुत लोग, झूठे लोग, कपटी लोग, मतलब कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। यानी कि उनका कहने का मतलब है इनका कोई मैनिफेस्टो नहीं है, हर एक को चाहे वो क्या है अच्छा हो या बुरा हो, सबको क्या है ये शामिल कर लेते हैं। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या है कांग्रेस पार्टी की जो कंपेयर किया था उसको, वो एक इनसे यानी एक धर्मशाला से इसको क्या है कंपेयर किया था।
तो ये इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में, 1947 से लेकर के मेन 1977 तक इंडिया के अंदर क्या है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही डोमेन रहा। यानी कि एक तरफा हम इलेक्शन जो कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की ही क्या है, हर बार क्या है, गवर्नमेंट बनी थी। तो इसलिए ये क्या है, रूलिंग पार्टी रही। तो इस सिस्टम को हम वन पार्टी डोमेनिंग सिस्टम भी कह सकते हैं, यानी कि एक ही पार्टी का जहां पर अधिपत्य हो, साम्राज्य हो। अब बारी आती है इसका फर्स्ट टॉपिक दे रखा है आपको कि फर्स्ट थ्री इलेक्शंस के बारे में बताइए। इन तीन इलेक्शंस के बारे में डिटेल तो नहीं पूछी जाती, लेकिन इन तीन इलेक्शंस में ये पूछ लिया जाता है कि ओपोजिशन में कौन बैठा था, या सेकंड नंबर पर कौन सी पार्टी आई, या कांग्रेस को क्या सेकंड के अंदर कितनी सीटें मिली। तो इस तरह के वन मार्क्स का क्वेश्चन इसके अंदर पूछ लिया जाता है। तो फर्स्ट लोकसभा जो इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन हमारा 1952 के अंदर हुआ था, इसमें हमारी टोटल लोकसभा की सीट थी 489, उसमें से कांग्रेस को मिली थी 364। उसके अंदर जो सीट परसेंटेज था वो 74.3% के है उसको सीट मिली, जबकि जो टोटल वोट था, जितने भी वोट डाले गए थे, टोटल वोट नहीं, जितने वोट डाले गए थे उनका सिर्फ 45.1% मिला। अब क्या कंफ्यूजन ये हो जाता है कि सीट तो क्या 74 है, वोट इतने कम क्यों है, क्योंकि लोकल पार्टियां थी उस टाइम हर स्टेट के अंदर, लेकिन वो सीट नहीं ले सकती थी, उनको 5% 4% इस तरह वोट मिल रहे थे, लेकिन उनको सीट्स नहीं मिल रही थी। तो इस वजह से कांग्रेस पार्टी का जो उस टाइम का क्या है, जो वोटिंग परसेंटेज था वो 45, आज भी क्या है, आज अगर 45% क्या है वोट किसी पार्टी को आते हैं तो वो पार्टी क्या है, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट बना लेती है और स्पष्ट बहुमत क्लियर मेजोरिटी से बनाती है। तो उसी टाइम भी यही था, 45% क्या है उसको वोट मिले थे, और जबकि सीट्स मिली थी 74%। सेकंड जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का 1950, इसके अंदर जो सेकंड नंबर पर आई थी वो कम्युनिस्ट पार्टी थी, और मैंने क्या है आपकी पीडीएफ के अंदर क्या है एक टेबल दी गई है फर्स्ट इलेक्शन, सेकंड इलेक्शन और थर्ड इलेक्शन की। तो उसमें क्या है बताया गया कि कांग्रेस के बाद कौन कौन सी पार्टियां थी जिनको कुछ सीट्स भी मिली थी लोकसभा के अंदर, किसी को 2 सीट्स मिली है, किसी को 3 मिली है, 5 मिली है, जो भी। तो सेकंड नंबर वाली पार्टी के बारे में भी पूछ लिया जाता है कई बार, जैसे कि जो 1952 के अंदर है कांग्रेस के बाद किसको सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, वो क्या है कम्युनिस्ट पार्टी की। तो सेकंड क्या 57 है, इस इलेक्शन के अंदर टोटल 490 सीट्स थी, जिसमें से 371 सीट्स क्या है कांग्रेस को मिली, और इसमें वोटिंग परसेंट था 47.78 और सीट का जो परसेंटेज था वो 75.1% था। यानी यहां भी डोमेन किसका था, अगर क्या है 2/3 सीट्स आती है तो वहां पर डोमेन ही होता है एक पार्टी का, यानी उसकी मेजोरिटी होती है, क्लियर मेजोरिटी होती है, वो कोई भी क्या रूल्स बना सकती है, कोई भी लॉज बना सकती है। थर्ड इलेक्शन में भी यही था, टोटल सीट्स थी 490, सीट्स मिली थी 361, 73% सीट्स थी और 45% उसको क्या है लगभग क्या है वोट मिले थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहले तीन इलेक्शन पर क्लियर मेजोरिटी। तो ये इलेक्शन 62 में था, यानी 67 तक क्या है किसकी गवर्नमेंट रही, कांग्रेस की रही थी। उसके बाद क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, लाल बहादुर शास्त्री है, दोनों की डेथ हो जाती है, दो बड़े नेता क्या है कांग्रेस खो देती है जिनका एक नाम था। उसके बाद लीडरशिप की बारी आती है कि किसको लीडरशिप दिया जाए, तो उसके बाद से कांग्रेस के अंदर आपस में ही क्या है डिवीजन कह सकते हो, या आपस में पार्टीशन हो जाता है कांग्रेस पार्टी का। तो वो कैसे होता है वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।